सो हेलो एंड वेलकम टू अनुजगर कोचिंग। नमस्कार प्रिय साथियों, और आप सभी का अनुजगर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है, हर सप्ताह हम आपके लिए एक ऐसे करंट अफेयर्स के टॉपिक के ऊपर डिस्कशन लाते हैं, अपनी चर्चा को लाते हैं, जो यूपीएससी पीएससी परीक्षाओं के लिहाज से बड़ा जरूरी होता है। और आज मैं एक ऐसी समसायिकी घटना के बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूं जो इतिहास से रिलेटेड है, जो इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है, मध्यकालीन भारत के इतिहास से रिलेटेड है, मिडिवल एज से रिलेटेड है। अब इतिहास हमारा पीछा करंट अफेयर में भी नहीं छोड़ता है, तो ये तो मेरी गलती तो है नहीं भाइयों। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं एक बहुचर्चित टॉपिक के बारे में। सभी न्यूज़पेपर और सभी मल्टीमीडिया में ये टॉपिक बड़ा उछल रहा है। दारा शिकोह, जो मुगल डायनेस्टी के एक प्रिंस रहे, उनके बारे में, जो कि शाहजहां के बेटे थे, औरंगजेब के भाई थे, इनके बारे में एक नई आजकल समसायिकी की घटना में हमको हलचल होती हुई दिख रही है, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोगों को डिस्कशन करने से पहले मैं 30 सेकंड में अपनी बात रखना चाहता हूं। जितने भी मुद्दों के बारे में हम अपने YouTube चैनल पर करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, हमारे डिस्कशन में आप लोगों को एक फायदा यह प्राप्त होगा कि जो भी डिस्कशन होगी वो यूपीएससी आधारित रहेगी। और केवल ऐसा नहीं करने का प्रयास किया जाएगा कि आपको केवल घटनाओं के बारे में पढ़ा दें, क्या घटना है, क्या घटना हुई थी, या वर्तमान में ये टॉपिक क्यों उठ रहा है उसके बारे में आपको बता दें। ये तो हमारा लक्ष्य ही सही, लेकिन एक रीजनिंग, एक तर्क शक्ति का आप में विकास करना, किस तरह से यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन को आपको आंसर के रूप में फ्रेम करना होता है, आखिरकार दारा शिकोह के बारे में जब प्रश्न पूछा जाए तो कैसे लिखें, औरंगजेब की धार्मिक नीति से संबंधित यूपीएससी में प्रश्न जो पूछे जा चुके हैं उनके आंसर कैसे लिखें, औरंगजेब और अकबर की धार्मिक नीति, रिलीजियस पॉलिसी, और यदि दारा शिकोह और औरंगजेब की धार्मिक नीति को कंपेयर करके कभी प्रश्न पूछ लिया गया तो उसको कैसे लिखें। यूपीएससी की परीक्षा में या किसी भी बड़ी परीक्षा में जहां पर राइटिंग एबिलिटी टेस्ट आपका होता है, उसमें आपको एक बात ध्यान रखना होती है कि केवल घटना याद होने से आप अच्छे नंबर स्कोर नहीं कर सकते, बल्कि आपको अपने पॉइंट्स भी वहां पे लिखना होंगे कि इस घटना के पीछे मेरी राय क्या है, मेरी समझ क्या है। तो वो तर्क शक्ति आप लोगों तक पहुंचाने में हम पूरा प्रयास करेंगे। तो दारा शिकोह के ग्रेव को लेके, दारा शिकोह के जो कब्र थी उसको लेके अभी एक बड़ी न्यूज चल रही है। सरकार ने एक 7 सदस्यीय पैनल को अपॉइंट किया है। गवर्नमेंट हैड अपॉइंटेड, द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज अपॉइंटेड अ कमिटी ऑफ 7 मेंबर्स हु विल लुक इनटू दिस, जो मकबरे को खोजेगी। अब जब भी मैं बोलता हूं कि 7 सदस्यीय समिति का गठन हुआ है तो मेरी दिल की धड़कनें थोड़ी सी बढ़ जाती हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि 1927 में एक बार जब 7 सदस्यीय साइमन कमीशन भारत में आया था, उसका विरोध हुआ था। खैर वो तो अच्छा था भाई, 7 सदस्यीय साइमन कमीशन का विरोध करना, क्योंकि वो तो दरअसल ब्रिटिश के व्हाइट रेसिज्म, श्वेत नस्लवाद का उदाहरण था। तो खैर एनीवे, 7 सदस्यीय मेंबर्स का सात मेंबर्स की एक टीम का अपॉइंटमेंट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, टू लोकेट द ग्रेव ऑफ द मुगल प्रिंस दारा शिकोह। गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात होती है ना, उसी प्रकार से उस गड़ी कब्र को उखाड़ने की बात की जा रही है प्रिंस दारा शिकोह की। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, इस मुद्दे पर मैं जाऊंगा, लेकिन एक बड़ी अच्छी कोटेशन के साथ में इस टॉपिक की शुरुआत आप लोगों के सामने करना चाहूंगा। एक बड़ी अच्छी कहावत है कि यदि भुआ के मूछ होती तो मैं उन्हें फूफाजी कहता, यदि भुआ के मूछ होती तो मैं उन्हें फूफाजी कहता।
अब दिक्कत की बात यह है, ना तो भुआ के मूछे हैं, ना मैं उन्हें फूफा जी कह सकता, क्योंकि ना तो कभी भुआ के मूछे आएंगी और ना ही कभी मैं उन्हें फूफा जी कह पाऊंगा। रिसेंट में यही प्रश्न उठा है कि हालांकि शाहजहां के बाद जो अगला मुगल शासक था वो औरंगजेब था, और औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी, जो रिलीजियस पॉलिसी थी, कुछ इतिहासकारों के द्वारा ऐसा बोला जाता है कि औरंगजेब की धार्मिक नीति धार्मिक कट्टरता की नीति थी, रिलीजियस इंटॉलरेंस की नीति थी, धार्मिक असहिष्णुता की नीति थी। और यदि औरंगजेब जो शाहजहां के बाद मुगल प्रिंस बना, मुगल शासक बना, उसकी जगह अगर दारा शिकोह शासक रहा होता तो शायद इतने सारे धार्मिक क्लैश, रिलीजियस क्लैश हमको देखने को नहीं मिलते। तुम भुआ के मूछे होती तो उन्हें फूफा जी कहते। तो एक हाइपोथेटिकल कंडीशन को अज्यूम करने का प्रयास किया गया है, लेकिन जब हम हाइपोथेटिकल कंडीशन को अज्यूम करते हैं तो इतिहास में क्या उसका स्कोप भी होता है? किस राजा का मूल्यांकन या किसी भी राजा का हम मूल्यांकन, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जब हम बोलते हैं तो कौन कौन सी बातें हमको ध्यान में रखना चाहिए? इन्हीं सभी मुद्दों के ऊपर आज का लेक्चर हमारा आधारित होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे, एंड द टॉपिक इज दारा शिकोह द मुगल प्रिंस। तो ये तो हमें समझ में आ गया, सरकार मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक 7 मेंबर्स की टीम अपॉइंट की है और ये सारे उसमें लोग मौजूद हैं। इनमें से आपने नाम सुना होगा सतीश चंद्र, जो मिडिवल हिस्ट्री भी उनकी पुस्तक बड़ी पॉपुलर है। अब ये मुद्दा न्यूज में तब से आया है, इसको एक पॉलिटिकल एंगल भी प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये पॉलिटिकल एंगल वाकई में है या नहीं, ये तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो आरएसएस के एक बड़े फंक्शनरी थे, उन्होंने दारा शिकोह को एक रियल हिंदुस्तानी बोला था, उसके बाद ये न्यूज ज्यादा हाईलाइट हो रही है। हु वाज दारा शिकोह, इनके बारे में थोड़ा सा सामान्य परिचय लेते हुए औरंगजेब की बात करेंगे और इनका कंपैरिजन भी देखेंगे। सो ही वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहां। शाहजहां ने कब से कब तक, शाहजहां के ये एल्डेस्ट सन थे, और ये जो टाइम पीरियड आपको देखने को मिल रहा है ये आपको दारा शिकोह का देखने को मिल रहा है। ही वॉज फेवर्ड एज ए सक्सेसर बाई हिज फादर एंड ए सिस्टर। तो शाहजहां चाहते थे कि उनके बाद उनके जो सबसे वरिष्ठ पुत्र हैं दारा शिकोह वो शासक बने, और उनकी बहन भी यही चाहती थी। इन द वार ऑफ सक्सेशन विच इंश्योर्ड आफ्टर शाहजहां, विच एंश्यूड आफ्टर शाहजहां इलनेस इन 1657, दारा वॉज डिफीटेड बाय हिज यंगर ब्रदर औरंगजेब। तो हालांकि पिताजी और हालांकि उनकी बहन ये चाहती थी कि दारा शिकोह ही शाहजहां के बाद अगले शासक बने, लेकिन औरंगजेब एक महत्वाकांक्षी शासक था और दारा शिकोह को उसने उत्तराधिकारी के युद्ध में द बैटल विच वॉज फॉट फॉर सक्सेशन, द वॉर ऑफ सक्सेशन, उत्तराधिकार के युद्ध में दारा शिकोह को पराजित करके औरंगजेब ने अपने शासन को स्थापित किया। तो इनके बीच में एक वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ था, इनके बीच में उत्तराधिकार के लिए एक युद्ध हुआ था जिसमें जीता कौन गया था, औरंगजेब, और दारा शिकोह की उसमें मृत्यु हो गई थी, उसको किल कर दिया गया था। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, आप लोगों को बड़ी इंटरेस्टिंग घटना में बताता हूं कि देखिए, कुछ इतिहासकारों के द्वारा ऐसा बोला जाता है कि औरंगजेब की जो रिलीजियस पॉलिसी थी, जो धार्मिक नीति थी, वो धार्मिक नीति की शुरुआत रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी से हुई, धार्मिक रूढ़िवादिता से हुई, और धीरे 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 वे धार्मिक कट्टरता में बदल गई। जिन इतिहासकारों ने औरंगजेब की नीति को, औरंगजेब की धार्मिक नीति, रिलीजियस पॉलिसी की शुरुआत को धार्मिक रूढ़िवादिता से जोड़ के देखा है, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी से जोड़ के देखा है, उन इतिहासकारों का ऐसा कहना है
कि औरंगजेब के जो धार्मिक नीति थी, औरंगजेब के जो रिलीजियस पॉलिसी थी, कहीं ना कहीं उस समय का जो उसके साम्राज्य की नीड थी, जो उसके एम्पायर की नीड थी, वो भी उसकी रिलीजियस पॉलिसी को डिफाइन कर रही थी। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं कि औरंगजेब ने जब शासन करना शुरू किया, उस समय शाहजहां जीवित था। शाहजहां की मृत्यु तो इसके 5-6 साल बाद होगी, 1666-67 में इसकी मृत्यु होगी शाहजहां की, तो जब शाहजहां जीवित था। और इस्लामिक प्रक्रिया ये बोलती है, या जो शरीयत कानून जो था वो ये बोलता था कि सबसे पहले पिता की मृत्यु होगी, उसके बाद ही पुत्र उसकी गद्दी को संभाल सकता है। मतलब पिता के जीवित रहते हुए पुत्र पिता की गद्दी नहीं संभाल सकता है। तो कहीं ना कहीं औरंगजेब ने उस ही इस्लामिक परंपरा की अवहेलना करते हुए गद्दी पे बैठा था। अब जब वे इस्लामिक परंपरा की अवहेलना करते हुए गद्दी पे बैठा, तो उसने कुछ लोगों को नाराज भी कर दिया होगा। कुछ धर्म से जुड़े लोग, जैसे कि उलेमा वर्ग था, उनको नाराज भी कर दिया होगा। तो इतिहासकारों का कहना है कि औरंगजेब की धार्मिक नीति की शुरुआत जो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी से हुई, धार्मिक रूढ़िवादिता से हुई, उसके पीछे का एक कारण यह भी था कि औरंगजेब पिता के जीवित रहते हुए गद्दी पर बैठा था, उलेमा वर्ग उससे असंतुष्ट था, तो उलेमा वर्ग के प्रति तुष्टीकरण की नीति, अपीजमेंट की पॉलिसी को अपनाते हुए औरंगजेब ने अपना धार्मिक स्पष्टीकरण, रिलीजियस जस्टिफिकेशन देने का प्रयास किया। तो आई होप कि यह पॉइंट आपके काम आएगा, इस तरह से आंसर राइटिंग में आपके पॉइंट्स काम आएंगे। तो औरंगजेब की धार्मिक नीति की शुरुआत में आप इस तरह से बात कर सकते हो कि व्हाट वर द फैक्टर्स बिहाइंड दिस। तो इसके बारे में बहुत डिटेल से चर्चा हो सकती है। औरंगजेब की धार्मिक नीति अकेले में डिस्कस करूं तो 2-3 घंटे की डिस्कशन उससे हो सकती है, लेकिन आज के लेक्चर को समझने के लिए जितना जरूरी है उतनी बात मैं आपसे करूंगा। तो ये वाली बात हो गई, दारा शिकोह को भाई मृत्यु कर दी गई। दारा शिकोह इज डिस्क्राइब्ड एज ए लिबरल मुस्लिम हु ट्राइड टू फाइंड कॉमनलिटीज बिटवीन हिंदू एंड इस्लामिक ट्रेडिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, वर्तमान में दारा शिकोह की ग्रेव को या कब्र को लोकेट करने का प्रयास इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कुछ इतिहासकारों का और राजनेताओं का ऐसा मानना है कि अगर दारा शिकोह औरंगजेब की जगह शासक बनता, तो उसने, दारा शिकोह ने उन्हीं नीतियों का अनुसरण किया होता जो उसके पूर्वजों ने किया। और दारा शिकोह के पूर्वजों ने कौन सी पॉलिसी का अनुसरण किया? शाहजहां ने, जहांगीर ने और अकबर ने कौन सी नीति का अनुसरण किया? वो नीति थी धार्मिक सहिष्णुता की नीति, रिलीजियस टॉलरेंस की नीति। तो कुछ इतिहासकारों का और कुछ ऐसे विद्वानों का अभी ऐसा मानना है कि दारा शिकोह ने उन्हीं पॉलिसी का अनुसरण किया होता जो उसके पूर्वजों ने किया, धार्मिक सहिष्णुता की नीति। यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन भी आया था, अकबर बिल्ट द मुगल एम्पायर बाय एनलिस्टिंग द सपोर्ट ऑफ राजपूत एंड औरंगजेब डिस्ट्रॉयड इट बाय एलिनेटिंग द राजपूत। कि अकबर ने मुगल साम्राज्य का निर्माण करा अपनी राजपूत नीति के माध्यम से और औरंगजेब ने उसको तोड़ दिया राजपूत पॉलिसी का खंडन करके। अब जब राजपूत पॉलिसी की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो धार्मिक नीति को भी बताएगा, कहीं ना कहीं वो रिलीजियस पॉलिसी को भी डिफाइन करेगा। अब इसमें किस प्रकार से आंसर आपको लिखना होता है, आप उसका आइडिया आज के लेक्चर से लगा पाएंगे। तो क्या बोला जा रहा है कि औरंगजेब एक लिबरल मुस्लिम था, तो उसने रिलीजियस टॉलरेंस की नीति अपनाई होती, धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई होती। वही बात चल रही है ना कि अगर मेरी बुआ की मूछ होती तो मैं उनको फूफा जी कहता। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, वाकई में उसने ऐसी नीति अपनाई भी होती या नहीं, यह भी एक प्रश्न उठता है ना। ही ऑल्सो ट्रांसलेटेड इन टू पर्शियन द भागवत गीता इस वेल 50 उपनिषद, तो उसने 52 उपनिषद को ट्रांसलेट भी किया था, है ना, पर्शियन भाषा में। सम हिस्टोरियंस argue that if Dara Shikoh had ascended the Mughal throne instead of Aurangzeb, it could have saved thousands of lives in the religious clashes.
कुछ इतिहासकारों का ऐसा कहना है इफ द रूल ऑफ दाराशिको हैड कंटिन्यूड रेदर देन द रूल ऑफ औरंगजेब द लाइफ वुड हैव बीन बेटर, कि भाई धार्मिक संघर्ष कब हुआ होता। अब सवाल ये उठता है, जैसे कि आप इस डेमो क्वेश्चन को देखोगे तो एक राइटर है अविक चंद्र, वो लिखते हैं दाराशिको वाज द टोटल एंटीथेसिस ऑफ औरंगजेब, मतलब दाराशिको जो था उसकी जो नीतियां थी वो औरंगजेब से विपरीत थी। इन दैट ही वाज डीपली सिंक्रेटिक वार्म हार्टेड एंड जेनरस, कि उसकी जो नीति थी वो कहीं ना कहीं सभी के लिए अच्छी थी, कट्टरता की नीति नहीं थी। सॉरी, बट एट द सेम टाइम ही वॉज ऑल्सो एन इनडिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटर एंड इन इफेक्चुअल इन द फील्ड ऑफ बैटल। पर यह भी एक सच्चाई है कि उसकी नीति भले ही धार्मिक सहिष्णुता की रहती या थी, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि वो औरंगजेब जितना कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर या शासक नहीं था। सॉरी। तो जब हम इस बात के ऊपर चर्चा करते हैं कि अगर दाराशिको का रूल औरंगजेब की जगह रहा होता, तो एक बात यह भी उठती है कि ठीक है उसकी पॉलिसी हो सकता है रिलीजियस टॉलरेंस की, धार्मिक सहिष्णुता की नीति रहती, उसने इतनी कठोर नीतियों को नहीं अपनाया होता, वो कट्टरता की नीति पे नहीं जाता, ये प्रश्न होता है। लेकिन यह भी एक प्रश्न है कि हो सकता है मुगलों का पतन जो 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद होना शुरू हुआ, मुगल्स का डिक्लाइन, वो और पहले शुरू हो जाता, क्योंकि ही वॉज नॉट एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर इन कंपेरिजन विद द औरंगजेब। तो यह भी एक पॉसिबिलिटी बनती है। हम जब किसी भी चीज को देख रहे हैं तो दोनों ही पॉसिबिलिटी को देखें। हाँ, हमने माना कहीं ना कहीं धार्मिक नीति उसकी इस तरह की हो सकती थी, लेकिन मुगल काल का डिक्लाइन और पहले से शुरू हो जाता, अंग्रेज भारत में और पहले से अपना शासन करना शुरू कर देते, और ज्यादा फर्दर ड्रेन ऑफ वेल्थ होना शुरू हो जाती, तो पॉसिबिलिटी तो वो भी बनती है ना। इतिहास कभी भी इस पे नहीं चलता है कि ऐसा हुआ होता तो ऐसा होता। इसलिए मेरा यह बोलना है कि इतिहास लिखते समय किसी भी शासक को नायक बनाकर इतिहास लिखा जाएगा तो वो कुछ अलग इतिहास होगा। जब भी हम किसी को हीरो पोर्ट्रे करके इतिहास को लिखते हैं तो एक अलग प्रकार की हिस्ट्री होगी। हम एक ही पक्ष को बताते हैं, हम दोनों पक्षों की हो सकता है चर्चा ना करें, जबकि एक आदमी का व्यक्तित्व अच्छी बातों और बुरी बातों दोनों का ही मिश्रण होता है। शासक के चरित्र और व्यक्तित्व का मूल्यांकन समय विशेष की परिस्थितियों में प्रचलित राजतंत्र के मानदंड के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान इतिहास से कभी संतुष्ट नहीं होता। अरे भाई, जब आप किसी भी व्यक्ति का चरित्र कैरेक्टर का एनालिसिस कर रहे हो तो अब आज के प्रेजेंट के पैरामीटर्स पे कर रहे हो या उस समय जैसी स्थिति थी उन पैरामीटर्स पे कर रहे हो? तब तो सेक्युलरिज्म वाला वर्ड था ही नहीं ना, तब तो धर्मनिरपेक्षता का वर्ड था ही नहीं ना, तो आप किस आधार पे विश्लेषण कर रहे हो? आज के पैरामीटर्स के हिसाब से या तब के पैरामीटर्स के हिसाब से? तब के पैरामीटर्स पे कंपैरिजन करना ज्यादा सही होगा, क्योंकि वर्तमान कभी इतिहास से संतुष्ट नहीं होता है, वर्तमान हमेशा इतिहास में कमी ढूंढता है, यह वर्तमान की कमजोरी रही, हो सकता है कभी अच्छी बातें भी ढूंढे। सो दाराशिको के बारे में यह आपका टॉपिक है। अब इनकी जो ग्रेव ढूंढने की बात की जा रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसा एक मत है कि अगर दाराशिको की ग्रेव या कब्र को ढूंढा जाता है तो उसमें से एक रिलीजियस जो उनकी धार्मिक नीति थी उसके बारे में और पता लगेगा, है ना। जैसा कि आपको मैंने पढ़ाया सिंक्रेटिक कल्चर, मतलब एक उनकी सेक्युलर पॉलिसी रही होती, धर्मनिरपेक्षता की नीति रही होती। लेकिन एक ये भी सच्चाई है कि जब आप दाराशिको की धार्मिक नीति के बारे में बात करोगे तो औरंगजेब की धार्मिक नीति भी ऑटोमेटिकली चर्चा में आएगी ही, सही है ना। तो इसमें प्रॉब्लम यह है फाइंडिंग द ग्रेव में कि हुमायूं का जो मकबरा है उसमें दाराशिको की ग्रेव है, उसमें दाराशिको की कब्र है, लेकिन माना जाता है कि यह कब्र जो है वो दाराशिको की कब्र है ये। लेकिन इसमें एक और बात यह है कि हुमायूं के मकबरे में 200 से आसपास लोगों की कब्रें जो मुगल
जो मुगल्स रहे, मुगल्स के रिलेटिव्स रहे, तो ऐसे में ये बहुत मुश्किल है कि दारे शिको की कौन सी कब्र है उसको लोकेट करना, क्योंकि उनके ऊपर नाम भी नहीं लिखा हुआ है बहुत सारी कब्रों के ऊपर, तो कौन सी इसकी होगी, इट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। एक और आर्टिकल था इंडियन एक्सप्रेस में कुछ दिनों पहले आया था, सुप्रिया गांधी करके एक लेखिका है, और सुप्रिया गांधी जो लेखिका है उन्होंने औरंगजेब के ऊपर एक किताब लिखी है, सॉरी दारा शिको के बारे में किताब लिखी है, और उसका टाइटल कुछ ऐसा है, दारा शिको द एम्परर हु नेवर वॉज, कि एक ऐसा शासक जो कभी शासक बना ही नहीं। तो उनमें उन्होंने बात की है कि उनमें उन्होंने ये बोला है, इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा था, उनमें उन्होंने एक जिस्ट देने का प्रयास किया है कि इट इज डिफिकल्ट टू से दैट द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ दारा शिको वुड हैव बीन सेक्युलर या लिबरल, कि यह भी बोलना एक मुश्किल की बात है कि वाकई में क्या दारा शिको की पॉलिसी लिबरल या सेक्युलर की रही होती, यह भी एक बोलने वाली बात है। तो मैंने आपको यह पूरा बताने का यहां पर प्रयास किया किस तरह से यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दोनों ही सिक्के के पहलू हमको पता होना चाहिए, तब हम आंसर के साथ जस्टिस कर पाएंगे, है ना। आप जैसे डेमो आंसर को लिखना चाहते हो तो किस तरह से आप लिखो, मैं आप लोगों को एक डेमो आंसर बोल के बताता हूं। कुछ इतिहासकारों द्वारा ऐसा स्थापित करने का प्रयास किया गया है कि अगर औरंगजेब की जगह दारा शिको शासक रहा होता तो उसकी जो नीति है वो धार्मिक सहिष्णुता रिलीजियस टॉलरेंस की नीति रही होती और उसकी नीति उदारवादी या लिबरल पॉलिसी रही होती। परंतु जब भी हम इतिहास का विश्लेषण करते हैं तो हमें एक और बात ध्यान में रखना चाहिए कि क्या हम वर्तमान मापदंडों पे, प्रेजेंट पैरामीटर्स पे उस शासक के चरित्र और व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर रहे हैं, या हम उस शासक का चरित्र और व्यक्तित्व का मूल्यांकन तब के राजतंत्र के मापदंडों पैरामीटर्स पे कर रहे हैं। और किसी भी व्यक्ति के बारे में यदि नायक के रूप में हम लिखते हैं तो इतिहास लेखन बड़ा अलग हो जाता है और वर्तमान इतिहास से कभी संतुष्ट नहीं होता है। यह आप इस तरह से इसको लिख सकते हो, बीच में आप बात कर सकते हो कि भाई दार्शिकों की रिलीजियस पॉलिसी को इतिहासकारों ने ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि उसने उपनिषद देखो ना आप क्यों बोला गया है, कुछ तो तर्क होगा ना इसके पीछे का, क्योंकि 52 उपनिषद का ट्रांसलेशन किया, आप बोल सकते हो इसलिए इतिहासकारों द्वारा बोला गया है कि इसकी नीति ऐसी रही होती, इतना आप बोल दो। लेकिन यह भी एक सच्चाई है, अविक चंद्र इतिहासकार के अनुसार, ऐसे कोट करते हो आप बोल सकते हो कि एक इतिहासकार है अविक चंद्र, उनके शब्दों में यदि समझा जाए तो ऐसा कहा जा सकता है कि औरंगजेब की एक हाथ पे यदि नीति ज्यादा सहिष्णुता और लिबरल रही होती तो यह भी एक सच्चाई है कि दारा शिको उतना एबल एडमिनिस्ट्रेटर, उतना योग्य प्रशासक नहीं था, तो मुगल काल के विघटन की प्रक्रिया, द कोलैप्स ऑफ मुगल पीरियड वुड हैव बीन स्टार्टेड बिफोर 1707। दिस इज हाउ यू शुड राइट द आंसर। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी फ्रेम्ड, यूपीएससी हैज अ हैबिट सर एंड मैम, वो क्या करते हैं आप लोगों को इतिहास ऑप्शनल की परीक्षा में, कई सारे जो विद्वान इतिहासकार हैं उनके ही कोटेशन को प्रश्न बना के दे देते हैं। सो दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, यदि कोई भी टॉपिक चर्चा में है हिस्ट्री ऑप्शनल में आप उस प्रश्न की अपेक्षा कर सकते हो। आई होप यू आपको एक आइडिया मिला होगा, यू गॉट ए जेस्ट कि किस तरह से आपको आंसर राइटिंग करना होती है। मैं जाऊं उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, आई एम, अगर आप चाहते हो कि इंडियन हिस्ट्री इसी तरह से मैं आपको पूरी कवर कराऊं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी प्लस पे, मेरे साथ काफ़ी सारे एजुकेटर्स आपको अपनी अपनी कैटेगरीज के सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। हिस्ट्री ऑप्शनल का मेरा कोर्स शुरू हुआ था 1 जनवरी में, अभी भी चल रहा है, आगे भी आएगा। हिस्ट्री और पॉलिटी का मेरा क्रैश कोर्स आ रहा है मार्च में प्रीलिम्स के लिए, तो आपको पता है कि प्रीलिम्स में लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 30 क्वेश्चन हिस्ट्री और पॉलिटी में से मिला के आते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम सभी क्वेश्चन के बैकग्राउंड को पहले ही समझ लें ताकि हम लगभग 30 में से जितने ज़्यादा नंबर हो स्कोर कर सकें, और काफ़ी सारे आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलेंगे। यदि आप चाहते हो डिटेल एक एक टॉपिक पर डिस्कशन तो आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हो, द डिस्क्रिप्शन इज बीइंग द details and the links are being given in the description. Description में वो मौजूद है। And while subscribing, if you are using this code, sir and ma'am, it will give you a 10% discount. It will avail you a 10% discount. तो मैंने सोचा क्यों ना हिस्ट्री को ही अपना सरनेम बना दिया जाए,
इतना ज्यादा प्रेम मुझे तैयार से हो चुका है। और मैं अंत उसी कोटेशन के साथ आज के लेक्चर का करूंगा, अगर बुआ के मूछ होती तो उन्हें फूफा जी कहते, अब ना तो बुआ के मूछ है ना उनको फूफा जी कह सकते हैं, तो क्या करें फिर। वही लेकिन जिस तरह से आंसर राइटिंग लिखना बताइए यदि प्रश्न है तो। सो दिस इज द रेफरल कोड। विद दिस वी कम टू एंड ऑफ द सेशन ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। आपकी क्या राय है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक और बार बता देता हूं, ये दो लाइनें बड़ी काम की बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। मैं जो किताब लिख रहा हूं वहां भी मैंने जब टीपू सुल्तान के चरित्र का विश्लेषण किया, टीपू सुल्तान के बारे में भी प्रश्न आते हैं जैसे कि, तो उसकी धार्मिक नीति कैसी थी उसके बारे में भी विश्लेषण करते हुए इन बातों के ऊपर मैंने डिटेल से चर्चा की है। एंड द बुक विल बी लॉन्च्ड एनी टाइम सून, पॉसिबली बाय अप्रैल 2020। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।